हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के, ठीक है, हिंदी ए के यूनिट टू का पार्ट थ्री की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर हिंदी ए यूनिट टू पार्ट थ्री। यूनिट टू में मैंने दो पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में उपन्यास के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निबंध लेखन के बारे में, ठीक है, कि निबंध जो लेखन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, और इसका विकास और उद्भव किस प्रकार हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इससे अपनी स्टडी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखें कि अगर हम कि निबंध का जन्म भरतेंदु युग में ही हो चुका था और नवजागरण का समय था, ठीक है, भरतेंदु का युग में ही जो निबंध है उसका जन्म हो चुका था। निबंध एक निबंध लेखन एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी स्टोरीज या फिर हम अपने जो कुछ चीज़ें हैं वो लिख के जनता के सामने प्रदर्शित करते हैं, तो निबंध एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब देन इसमें बताया गया है कि भरतेंदु के युग में ही निबंध की क्या हो चुकी थी, निबंध जन्म हो चुका था, साथ में नवजागरण का ये समय था। इस काल के दौरान लेखक जनता की बुरी दशा के ऊपर अधिक ध्यान देते थे तथा अधिक से अधिक लेखन करते थे, ठीक है। ये वह काल था, या फिर ये कह सकते हैं कि यह वह समय था जहाँ पे जो लेखक थे वो जनता की जो दशा थी उससे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से परिचित थे कि जनता की जो बुरी दशा है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो लेखन कार्य में लेखक अधिक से अधिक जनता के बारे में लिखते थे, उसकी बुरी दशा के बारे में लिखा करते थे। देन इस युग में जितने अच्छे निबंध लिखे गए इतने अच्छे उतने अच्छे नाटक कहानियां नहीं लिखी गई, ठीक है। इस युग में जितने भी अच्छे निबंध लिखे गए हैं उतने अच्छे कहानियां हो या फिर नाटक नहीं लिखे गए, ठीक है। तो इस युग के अंदर निबंध का विकास बड़ी तेज़ी से हुआ और बड़ा उच्च स्तर पर विकास हुआ। उसके बाद आता है कि भरतेंदु के युग में कई निबंधकार जैसे कि भरतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा, बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्ता, राधाचरण गोस्वामी जैसे निबंधकार थे, ठीक है। तो ये जो निबंधकार की लिस्ट है, ठीक है, सॉरी, ये जो निबंधकार की लिस्ट है ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से निबंधकार इस समय में महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो आप इनके नाम को याद कर सकते हैं या फिर आप इनको कहीं लिख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। उसके बाद साथ में बताएगा कि भरतेंदु के युग में लिखे गए निबंध अनेक विषय पर थे। अब यहाँ पे भरतेंदु के युग में जो निबंध लिखे गए वो अलग अलग विषय पर थे, बट उन्होंने लगभग सारे विषयों को कवर किया था उस समय में। यहाँ पे बताया गया है कि कश्मीरी कुसुम, उदयपुर उदय, कालचक्र, बादशाह, दर्पण, ऐतिहासिक, बैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, सरयू पर यात्रा, विवरणात्मक, ठीक है। यहाँ पे विवरणात्मक इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक यात्रा का ना विवरण दिया गया है। इस निबंध में यात्रा का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि अगर कोई इसे पढ़ता है तो उसे भी महसूस होता है कि हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह से निबंध लिखा गया है। फिर आता है फिर कंकण स्त्रोत्रण, व्यंग्यपूर्ण वर्णात्मक मतलब ये किसी टॉपिक या फिर किसी चीज़ के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं, मतलब उसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। और नाटक, वैष्णवता और भारतवर्ष विचारात्मक निबंध हैं। भरतेंदु सबसे अधिक सफल हुए अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में। भरतेंदु सबसे ज़्यादा अधिक अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में सफल हुए हैं। उन्होंने सबसे अधिक व्यंग्य किसी की आलोचना करने के निबंध लिखे हैं, उनके ऊपर इनकी सफलता बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है। फिर बताया गया है कि बाल भट्ट जो कि भरतेंदु युग में है, बाल भट्ट अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहला सकते हैं। भट्ट जी ने सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं, मेला ठेला, वकील और वर्णात्मक, आंसू, चंद्रोदय, सहानुभूति, आशा, मधुर्य, खटक भावनात्मक, आत्मनिर्भरता, कल्पना शक्ति, तर्क
और विश्वास विचारात्मक निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो जो भट्ट जी हैं उन्होंने इतने सारे निबंध लिखे हैं, बट इनसे भी ज़्यादा निबंध उन्होंने लिखे हैं। और उनके निबंध जो हैं वो भावनात्मक भी होते हैं, ठीक है, विचारात्मक भी होते हैं। इस प्रकार के कुछ निबंध होते हैं उनके। साथ में उसमें यह बताया गया है कि जो ये है वह अपने समय के एक सक्सेसफुल निबंधकार में से एक है। ठीक है, सक्सेसफुल से मतलब है कि उन्होंने उनके जो निबंध है वो जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, जनता उनके निबंध को अधिक से अधिक पढ़ना पसंद करती थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि भट्ट जी ने कई प्रकार के हास्य निबंध भी लिखे। हास्य निबंध का मतलब है वह निबंध जो फनी है या फिर जो जनता को हंसाते हैं। ठीक है, जैसे कि खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, रोटी तो कमा खाए किसी भांति, मछुधर अकल, अजरीन राग आदि निबंध में मस्ती, हास्य, परिहास, विनोद, व्यंग्य सभी हैं। ठीक है, तो इन निबंधों में क्या क्या चीज़ों की बात की गई है? मस्ती की बात की गई है, ठीक है, हास्य मतलब हंसी की बात की गई है, परिहास किसी का मजाक उड़ाना, विनोद काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा फनी, और व्यंग्य किसी की आलोचना करते हुए बात करना, ठीक है, किसी के ऊपर व्यंग्य करना। तो भट्ट जी ने ये सारे निबंध लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो निबंधकार हैं एक प्रकार के, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखिए, बिकॉज ये वो इससे भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है भट्ट ने अपने निबंधों में उस समय की सबसे स्वच्छ, सबल और दैनिक भाषा का प्रयोग किया था, जिससे कि आम जनता उनके निबंधों को बड़े आसानी से समझ सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी एक विशेषता है वो ये भी है, ठीक है, जो इनकी विशेषता है कि उन्होंने अपने निबंधों में उस समय की सबसे स्वच्छ, सबल और दैनिक भाषा, मतलब एक साफ सुथरी भाषा का, और दैनिक भाषा जो कि आम जनता समझ सकती है, उसका प्रयोग किया था, जिससे कि आम जनता उनके निबंधों को बड़े आसानी से समझ सके। उसके बाद आता है कि जन साहित्य को जन भाषा में लिखने वाले प्रताप नारायण मिश्रा का नाम सर्वप्रथम आएगा। ठीक है, अगर जन साहित्य की बात करें, उसको जन भाषा में लिखने वाले, मतलब जो कि जनता पढ़ सके वह उस भाषा में लिखने वाले लेखक का नाम या आए, तो प्रताप नारायण मिश्रा का नाम सबसे पहले आएगा। इनके व्यक्तित्व और निबंध में अद्भुत आकर्षण है। इनके निबंध कुछ इस प्रकार के हैं कि जिसने भी एक बार इनके निबंध पढ़ लिए, समझ लो कि वो उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाएंगे। मिश्रा जी अपने निबंध समाज के छोटे छोटे मुद्दों पर इस प्रकार लिखते थे कि जनता को इससे उससे उद्देश्य भी मिले तथा वह उन मुद्दों को अधिक से अधिक समझा सके। ठीक है, अब जो पुराने टाइप के निबंधकार थे वो निबंध के लिए टॉपिक ढूंढते नहीं थे, उन्हें टॉपिक मिल जाते थे। टॉपिक कुछ इस टाइप के होते थे कि जनता में अगर समाज में कोई मुद्दा है तो उसके ऊपर उन्होंने कोई निबंध लिख दिया। अब निबंध लिख दिया तो जनता उस निबंध को पढ़ेगी, तो टॉपिक को जो भी मुद्दा है उसे समझेगी। ठीक है, और एक प्रकार से जनता का मनोरंजन भी होता रहेगा। ठीक है, वो छोटे छोटे मुद्दों पर निबंध लिखा करते थे, समाज के छोटे छोटे मुद्दों पर निबंध लिखते थे, जिससे कि लगभग सारे के सारे ही जो मुद्दे थे उस समय के उन्होंने लगभग कवर कर दिए थे। ठीक है, अधिक से अधिक जनता उनके निबंध को पढ़ती थी और सराहना करती थी। उसके बाद आता है कि यह ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। ठीक है, तो जो प्रताप नारायण है वो ब्राह्मण नामक पत्रिका पत्र को निकालते थे, जिसमें इनके निबंध छपते थे। ठीक है, उनके निबंध किस उसमें छपते थे? ब्राह्मण नाम की पत्रिका में। छोटे छोटे विषय पर इतने बढ़िया मनोरंजन और उच्च उद्देश्य को लेकर किसी लेखक ने नहीं लिखा। ठीक है, अब कोई भी अन्य लेखक इतना ज़्यादा छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देते थे, वो केवल बड़े बड़े मुद्दे या फिर समाज के जो बड़े बड़े चीज़ें हैं उनके ऊपर ही निबंध लिखते थे। बट जो ब्राह्मण जी प्रताप नारायण है, उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका में निबंध लिखना शुरू किया और उनके निबंध उसी में आते थे। साथ में वह छोटे छोटे और बढ़िया मनोरंजन निबंध लिखते थे, जिससे कि जनता को निबंध पढ़ने में तो अच्छा लगता था, साथ में वह निबंध को अच्छी तरह समझते थे और उसकी जो मौलिक चीज़ है, ठीक है, मोरल चीज़ें हैं उसको निकालते थे। इनकी शैली में घरेलू बोलचाल की शब्दावली तथा पूर्व पुलियों की कहावतों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये क्या करते थे, ये अपनी शैली में घरेलू बोलचाल, ऐसी मतलब ऐसी भाषा जो घरों के अंदर बोली जाती है उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, शब्दावली का यूज़ करते थे, पूर्व बोलियाँ मतलब पुरानी जो बोलियाँ हुआ करती थी उनका यूज़ करते थे, कहावत कहते हैं कहावतों का यूज़, देन मुहावरों का प्रयोग किया करते थे, जिससे कि उनके जो निबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे जनता को। फिर आते हैं अपने पास प्रेमघन जी,
निरालेपन के लिए याद किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भारतेंदु युग में ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने निबंधकार निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं प्रेमघन जी, जो कि अपने निरालेपन के लिए याद किए जाते हैं। उनका उद्देश्य यह था कि यह नहीं था कि उनकी बात साधारण समाज तक पहुँचे, उसका मनोरंजन हो या उसके विचार में परिवर्तन आए। ठीक है, अब जो प्रेमघन जी हैं, ठीक है, यहाँ पे हर एक जो निबंधकार है उसका अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो उनकी जो निबंध है वो समाज तक पहुँचे और उसका मनोरंजन करे। उनका उद्देश्य था कि कलम की करामात दिखाना ही उनका उद्देश्य था। कलम की करामात, कलम की जो शक्ति है, पावर है, वही दिखाना चाहते थे वो जनता को। उसके बाद आता है बाल मुकुंद गुप्ता, इस युग के सबसे प्रसिद्ध निबंधकारों में से एक थे। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्ता इस सदी के सबसे, जो कह सकते हैं हम, कि विशेष या फिर सक्सेसफुल निबंधकारों में से एक थे। फिर आता है कि भरतेंदु युग के निबंधकार, भरतेंदु युग के निबंधकारों की विशेषताएं, भरतेंदु के जो युग के निबंधकार हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि निबंधों के विषय में विविधता, जितने भी निबंधकार थे उनके पास विषयों की विविधता थी। वो हर निबंधकार एक अलग टॉपिक पर निबंध लिखता था। ठीक है, फिर आता है व्याकरण संबंधी लापरवाही और अशुद्धियाँ। अब जितने भी निबंधकार हैं उस समय के भरतेंदु युग के, वो अपने उसमें लापरवाही करते थे और अशुद्धियाँ छोड़ देते थे, जिससे ना उनके निबंध कुछ अलग के हटके दिखते थे। ठीक है, अगर वो लापरवाही नहीं करेंगे, निबंध एकदम सही लिखेंगे, सटीक लिखेंगे, तो जनता को पढ़ने में थोड़ा वो लगेगा। हल्की फुल्की लापरवाही होती थी, थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह जाती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था, जनता को थोड़ा पढ़ने में रोचक लगता था। देशज या स्थानीय शब्द का प्रयोग, अब दूसरी बात यह बताई गई है कि वो जिस जगह पर रहते थे उस जगह की भाषा का या फिर शब्दों का प्रयोग करते थे। साथ में शैली के विविध रूपों और विचार स्वतंत्रता, अब वो अलग अलग शैलियों का यूज़ करते थे निबंध लेखन में। साथ में विचार स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, किसी भी निबंधकार के लिए विचार स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर उसके विचारों को दबा के रखा जाएगा तो वो अच्छे से अच्छे निबंध नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके जो विचार थे वो स्वतंत्र थे, वो किसी भी टॉपिक पर लिख सकते थे, कितना भी अच्छा निबंध लिख सकते थे। दूसरे, समाज सुधार, जितने भी निबंधकार थे वो चाहते थे कि समाज में सुधार हो, इसीलिए वो समाज में समाज के मुद्दों पर निबंध लिखते थे। देशभक्ति, साथ में प्रत्येक निबंधकार देशभक्ति प्रिय था। ठीक है, उसको देशभक्ति का जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था और प्रत्येक निबंधकार बहुत ही अधिक देशभक्त भी था। उसके बाद आता है परिधीनता के प्रति रोष, आत्मपतन पर खेद। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता था, ठीक है, तो अगर व्यक्ति कोई गुजर जाता था उसका समय, उसकी मौत हो जाती थी निबंधकार की। ठीक है, तो ये लोग उसके ऊपर भी निबंध लिखते थे और अपना खेद प्रकट करते थे। देशोत्थान की कमान, मतलब पूरे के पूरे देश में जो निबंध का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं निबंध लेखन का जो क्षेत्र है, उसकी कमान इन्हीं लेखकों के हाथों में थी। हिंदी, सम्मान और रक्षा भावना, हिंदी भाषा के लिए इनके इन इन, इन लोगों के मन में सम्मान था और उसकी रक्षा भावना की स्थिति। ठीक है, फिर आते हैं हिंदू, ये हिंदू हिंदू व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा वो करते थे। उसके बाद आता है पर्व त्योहार के लिए उत्साह और नवीन विचारों का स्वागत, निबंध की एक विशेष शैली के युग की एक विशेषता है। ठीक है, अब जो किस कोई त्योहार आ गया, ठीक है, त्योहार आ गया तो ये लोग क्या करते थे, त्योहारों के ऊपर भी निबंध लिखते थे ताकि जनता को पढ़ें तो जनता को उसका मनोरंजन प्राप्त हो। साथ में निबंध की एक विशेष शैली भी इस युग की विशेषता है। ठीक है, निबंध की जो विशेष शैली है वो इस युग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। ठीक है, अब उसके बाद भरतेंदु युग समाप्त होता है। अब भरतेंदु युग के बाद आता है हमारे यहाँ द्विवेदी युग। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, उपन्यास, निबंध या फिर हम कह सकते हैं नाटक, इन सबको ना अलग अलग युगों में बांटा गया है। ठीक है, अभी हम भरतेंदु युग की बात कर रहे थे, अब हम उसके अगले युग जो आता है वो आता है हमारे पास द्विवेदी युग, उसकी बात करते हैं कि द्विवेदी युग क्या है। तो भरतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का आरंभ होता है। भरतेंदु युग को बचपन के युग युग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा कि भरतेंदु युग जो है उसको अगर हम देखें तो हम उसको बचपन की नज़र से देखते हैं,
क्योंकि बचपन में लोगों को हंसना, बच्चों को हंसना पसंद है, मजाक पसंद है, मनोरंजन पसंद है, जो कि भारतेंदु युग में बहुत मात्रा में उपलब्ध था। अब हम द्विवेद युग में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो बच्चा एक प्रकार से बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे जो भी इस युग में जो भी निबंध लिखे गए हैं, ठीक है, वो इस प्रकार लिखे गए हैं कि वो जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं, ठीक है, जिसमें बताया गया कि जिसमें मनोरंजन, हास्य, मजाक आदि जैसी चीज़ें अधिक पसंदीदा होती थी बचपन के समय में, ठीक है, बच्चों को ये सब पसंद होता था। परंतु द्विवेद युग में जिम्मेदारी का युग आरंभ होता है। द्विवेद युग का निबंध साहित्य भारतेंदु युग के निबंध साहित्य के समान संपन्न नहीं है, ठीक है, जितना संपन्न द्विवेद युग नहीं है उतना संपन्न कह सकते हैं हम कि भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ उसका, ठीक है, उसका जो पसंद उस जनता उस युग को ज़्यादा पसंद करती है। वहीं पर अगर हम बात करें द्विवेद युग की, तो द्विवेद युग का आरंभ तो हुआ पर उसका ज़्यादा चला नहीं, ठीक है, वही युग ज़्यादा पसंदीदा क्या नहीं गया। फिर उसके बाद आता है इस द्विवेद युग में कौन कौन राइटर्स हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्रा, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रभार शर्मा गुलेरी इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं, ठीक है। तो आप ये जो निबंधकार हैं आप इनके नाम प्लीज़ याद कर लीजिए, इनके नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इन चारों के चारों निबंधकारों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है द्विवेदी के इस युग के आचार्य के रूप में देखा जाता है तथा आचार्य का काम शिक्षा देना, ज्ञान वर्धन करना, समाज का नया संस्कार डालना तथा सुधार करना, ठीक है। जो द्विवेदी युग द्विवेदी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनको इस युग में क्या किसके रूप में देखा जाता है, आचार्य, आचार्य मतलब एक तरह से टीचर के रूप में देखा जाता है, जिसका काम क्या होता है, शिक्षा देना, ज्ञानवर्धन करना, समाज का नया संस्कार डालना, समाज में नए संस्कार देना, सुधार करना, ठीक है, यही सब आचार्य का काम होता है। और द्विवेदी ने ये जो कार्य है ये बहुत ही अच्छे से करे थे, ये सब इन्होंने किए, इसीलिए यह आचार्य कहलाए और इनके नाम पर काल का नाम दे दिया गया, ठीक है, कालयुग का नाम दे दिया गया। अब द्विवेदी इतने ज़्यादा फेमस थे कि उन्हीं के नाम पर काल का नाम भी दे दिया गया, मतलब ठीक है, देख रहे हो आप कि द्विवेदी के नाम से ही एक युग है जिसको जाना जाता है। उसके बाद आता है द्विवेदी जी ने सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं, जैसे कि कवि और कविता, प्रतिभा साहित्य की महत्ता, इनके विचारात्मक निबंध है, विचारात्मक मतलब उनको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति उन पर विचार अवश्य करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लोभ, क्रोध, संतोष, भावनात्मक है, ये जो तीन लिखे गए हैं ये भावनात्मक है। फिर अगर हम हंसने की बात करें तो हंस कर छिरनीर, विवेक, जापान में पतंगबाजी, हजारों वर्ष पुराने खंडर और प्रताप सुषमा वर्णात्मक हैं, ठीक है, ये जो लिखे गए हैं ये वर्णात्मक हैं। इनको पढ़ने के समय आपको पता चलेगा कि इनका जो वर्णन है, ठीक है, जैसे कि जापान में पतंगबाजी, इसमें आपको इस प्रकार का वर्णन मिलेगा कि जापान में जो पतंगबाजी हुई है, ठीक है, वो किस प्रकार की है। फिर आते हैं हस्त संदेश तथा नल दस्तर दूत कार्य, विवरणात्मक निबंध अथवा इन निबंधों में द्विवेदी ने किसी भी चीज़ का विवरण प्रस्तुत किया है, ठीक है, ये जो वर्णात्मक निबंध होते हैं इसमें जो निबंधकार है वो किसी चीज़ का वर्णन प्रस्तुत करता है जनता के सामने। तो इसमें मैंने जो जो बताया गया आप प्लीज़ उन सब राइटर्स के नाम को याद कर लीजिए तथा उनके छोटी छोटी विशेषताओं को याद कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है माधव प्रसाद मिश्रा, जो भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला के सच्चे उपासक हैं, ठीक है, ये जो माधव प्रसाद मिश्रा हैं ये सच्चे उपासक हैं भारतीय संस्कृति और उसके साहित्य कला का। इनका अपना व्यक्तित्व था, ये किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं थे, ठीक है, इनका अपना व्यक्तित्व था, लोग इनको अपने व्यक्तित्व के रूप में जाना करते थे, ठीक है। यदि ये किसी को भारतीय और प्राचीन साहित्य का गौरव घटाने का प्रयत्न करते पाते तो उसकी आलोचना करते, ठीक है, ये क्या करते थे, अगर इन्होंने किसी भी व्यक्ति को साहित्य का मजाक उड़ाते हुए, ठीक है, या फिर साहित्य को ऐसा बताते हुए कि साहित्य कुछ भी नहीं है पा लेते थे, पकड़ लेते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, उसका ना इतना ज़्यादा उपहास करते थे या फिर उसका इतना ज़्यादा आलोचना करते थे कि वो भी बेचारा शर्मा जाता था। फिर आता है अध्यापक पूर्ण सिंह, इस युग के सबसे प्रमुख भावुक और विचारात्मक निबंधकार है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं
वो इस युग के, ठीक है, द्वितीय युग के सबसे ज्यादा भावुक और विचारात्मक निबंधकार है। इससे अधिक गौरव की बात क्या होगी कि इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे, फिर भी अपने समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखक माने गए। ठीक है, अगर इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं बट इनको अपने समय के सबसे फेमस और श्रेष्ठ लेखक माना जाता है। इनमें से प्रमुख मजदूर और प्रेम आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, ठीक है, इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं जिसमें से 3 हैं मजदूर और प्रेम आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता। ये 3 महत्वपूर्ण हैं। अध्यापक जी के निबंध, सॉरी, अध्यापक जी के निबंध में प्रेरणा देने वाले नए नए विचार हैं, उनकी भाषा बड़ी शक्तिशाली है। ठीक है, तो अगर कोई आचार्य जी के, ठीक है, आचार्य जी के अगर कोई पढ़ता है, सॉरी, अध्यापक जी के अगर कोई पढ़ता है निबंध, तो उसको क्या मिलती है, एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। अगर उसको जीवन से रिलेटेड कोई भी परेशानी और वो इनके निबंध को पढ़ ले, तो उसको जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ने? उसके बाद आता है हमारा, आता है प्रसाद। प्रसाद युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। ठीक है, प्रसाद युग हिंदी साहित्य का जो है वो एक स्वर्ण काल है, मतलब सोने का काल है। इस क्या कविता क्या गद्य, दोनों का विकास इस काल में उच्च शिखर पर पहुंच गया था। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचक खूब विकास हुआ। ठीक है, तो जो ये जो हम कह सकते हैं कि जो प्रसाद का युग है, इस युग में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। किस किस का, कहानी, नाटक और उपन्यास का तो हुआ ही, साथ में निबंध का विकास अपने शिखर पर था। ठीक है, निबंध का विकास बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर तक हुआ। फिर चंद्रभार शर्मा गुलेरी, सॉरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपने स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध है। निबंध इन्होंने भी थोड़े ही लिखे हैं, परंतु उनका निबंध इतने प्रसिद्ध थे कि वह इस युग के नामी निबंधकारों में से एक बन गए। ठीक है, इन्होंने अपने निबंधों की, इनकी निबंधों की संख्या अधिक नहीं है, बट इनके निबंध जो हैं वो इतने प्रेरणाकारक या फिर मनोरंजक हैं कि व्यक्ति एक बार पढ़ने के बाद उनके निबंध को हमेशा सराहना देता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या हुआ, ये कुछ निबंधों के बेसिस पर ही अपने युग के एक नामी निबंधकार बन गए। ठीक है, अब इसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि निबंधकारों की एक विशेषता होती है कि वो जितना छोटा लिखते हैं ये वह उतना ही अच्छा लिखते हैं। ठीक है, अगर एक बार जनता उनके उसको पढ़ ले तो वो उनके उसको समझ लेती है, और तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गुलाब राय जी। यह निबंधकार पहले हैं, आलोचक बाद में। ठीक है, गुलाब राय जी जो हैं वो पहले निबंधकार हैं, फिर बाद में उन्होंने आलोचक है। अब वो पहले निबंध लिखते हैं, ठीक है, बाद में किसी और की आलोचना करते हैं। फिर निराश क्यों, सॉरी, मेरी असफलताएं, अंधेरी कोठी कोठरी, इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, ये जो नाम बताए गए हैं, मेरी सफलता, अंधेरी कोठरी, इनके जो निबंध हैं ये उनके संग्रह हैं। मतलब इसके अंतर्गत, मेरी सफलता के अंतर्गत बहुत सारे निबंध आए होंगे, मेरी कोठरी के अंदर बहुत सारे निबंध आए होंगे। मेरी सफलता आत्मपारक और विव्यात्मक व्यंग्यात्मक निबंध का संग्रह है। ठीक है, ये एक संग्रह है किन प्रकार के नियमों का, आत्मपारक या व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यंग्यात्मक निबंधों का। ठीक है, इसमें इन्होंने आत्मपारक, मतलब अगर कोई जीवन में एक के बाद एक गलती करता जा रहा है, उसका जीवन नीचे जाता जा रहा है, ठीक है, तो वो इस निबंध को पढ़े तो उसमें उसमें शक्ति उभर आती है। ठीक है, इनकी भाषा बहुत ही सरल रहन सहन थी, इनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा सरल थी, लोगों को इनकी भाषा काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि। भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उनका जो निबंध है चिंतामणि, वो पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फेमस निबंधों में से एक है। ठीक है, उसके बाद आता है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में शुक्ल जी के निबंध सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम विचारों की निबंध की बात करें कि जिसको पढ़ के हमें विचार मिले किसी प्रकार का, या फिर उन निबंधों में किसी विचार को दर्शाया गया है, तो वो जो निबंध लिखे गए हैं वो सबसे अच्छे वो लिखे गए हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, सर, इनका नाम शुक्ल नहीं है, इनका नाम रामचंद्र शुक्ल है, सिर्फ शुक्ल जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनमें विचारों की बारीकी और गंभीरता,
भावों की मनोवैज्ञानिकता, भाषा का गठन और उसकी शक्ति आदि आदर्श है। तो जो शुक्ल जी के निबंध है उसमें क्या बताया गया है, विचारों की बारीकता की और गंभीरता। अगर इन्होंने किसी विचार के ऊपर निबंध लिखा है तो वो उस निबंध को इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार लिखा है उन्होंने कि कोई भी उस निबंध को पढ़े तो उसको उस विचार से रिलेटेड इतना ज़्यादा समझ में आ जाए कि वो उस विचार को पूरी तरह अपना सकता है, ठीक है। उनके निबंध में गंभीरता होती है, वो इतने गंभीर टॉपिक पर लिखे जाते हैं निबंध कि सामने वाला उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सके। भाव और मनोवैज्ञानिकता भी उसमें उपलब्ध होती है, भाषा का गठन और उसकी शक्ति आदि इसमें मिलेगी। उसके बाद आता है महादेवी वर्मा की ये पुस्तक उल्लेखनीय मानी जाती है, ठीक है। महादेवी वर्मा जो कि नामी राइटर भी हैं, ठीक है, उनकी ये पुस्तक काफ़ी उल्लेखनीय है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र तथा श्रृंखला की कड़ियां, ये जो उनकी बुक्स है ये काफ़ी फेमस बुक्स में से एक हैं। इनके अतिरिक्त गंभीर विचारपूर्ण निबंधों के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं भुलाया जा सकता, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी नहीं भुला सकते। अगर हम कभी भी गंभीर विचारों विचारपूर्ण निबंधों की बात करते हैं, ठीक है, तो हम महादेवी वर्मा या फिर त्रिपाठी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद आता है निबंध लेखन में शांतिप्रिय द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गांधीवादी नेता, छायावादी रचना, इनकी रचना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है। अब जो शांतिप्रिय द्विवेदी हैं इनका भी योगदान निबंध लेखन में काफ़ी अधिक हुआ है कि ये क्या है, ये गांधीवादी नेता थे, मतलब वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे। छायावादी रचना इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन्होंने अपनी रचना में जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। अब जो शांतिप्रिय द्विवेदी हैं इन्होंने जो निबंध लिखे हैं इनमें इन्होंने ये बताया कि अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ निबंध को पढ़िए। अगर आप उनके निबंध को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जीवन की जो कठिनाई है उनसे उनका समाधान प्रस्तुत किया है, तो उनका समाधान आपको मिल जाएगा। इन्होंने विचारात्मक और भावनात्मक दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। इन्होंने क्या लिखे हैं, विचारात्मक ऐसे निबंध जो विचार भी प्रस्तुत करते हैं, और ऐसे निबंध जो भावनात्मक है वो भी। निबंध लेखन में ऐसे बहुत सारे असंख्य लेखक हैं जिन्होंने निबंध लेखन का उद्भव और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो निबंध लेखन में जो मैंने अभी तक आपको बताया, ऊपर जो राइटर्स मैंने आपको बताए, इससे बहुत ही ज़्यादा और बड़ी संख्या में जो निबंध लेखक हैं वो उपलब्ध हैं। बट मैं हर किसी को इस चैप्टर में कवर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको अपने चैप्टर में कवर करने की कोशिश करी है। परंतु वर्तमान के समय में निबंध लेखन में लेखकों की संख्या कम हो गई है तथा लोग निबंध लेखन में कम से कम जुड़ रहे हैं, जिसके कारण निबंध लेखन की गति में कमी आई है, ठीक है। वर्तमान समय में निबंध लेखन, आप जानते होंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो निबंध लेखन के क्षेत्र में जा रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसी के कारण निबंध की जो गति है ना उसमें भी कमी आई है, निबंध लेखन की जो गति है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसके कारण निबंध लेखन अधिक से अधिक निबंध नहीं लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण है। तो ये थी अगर आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो उन्हें मिल जाए। और प्लीज़ मेरे जो चैनल है के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक है, ये आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्लीज़ टेलीग्राम और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं नोट्स देता रहता हूँ तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, करिए, ठीक है। तो ये थी अच्छी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइज़।